साल 2002, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का वक्त। गोरखपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री रहे शिव प्रताप शुक्ला को टिकट दे दिया, लेकिन बीजेपी का यह दांव गोरखपुर के सांसद को नागवार गुजरा। वजह थी कि वह सांसद अपने करीबी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को टिकट दिलाना चाहता था, लेकिन बीजेपी के दांव से सब उल्टा पड़ गया। फिर क्या था, सांसद योगी आदित्यनाथ ने बागी रुख अख्तियार कर लिया और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बैनर से राधा मोहन दास अग्रवाल को चुनाव लड़वा दिया। योगी का रसूख इतना था कि 4 बार के विधायक और 3 बार के कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला चुनाव हार गए और राधा मोहन दास अग्रवाल 38,830 वोट पाकर गोरखपुर के विधायक बन गए। एक 31 साल के नए नवेले सांसद ने केंद्र में सत्तासीन पार्टी को अपनी ताकत दिखा दी। बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार के ही खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया और उसे जिता भी दिया। आज वही सांसद योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। 5 बार गोरखपुर के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल में भाजपा की धुरी माना जाता है। आज उनका जन्मदिन है। मठ के महंत की गद्दी से यूपी के मुख्यमंत्री तक की कुर्सी तक पहुंचे योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। उन्हें गोरखनाथ मठ के महंत रहे अवैधनाथ की खोज माना जाता है, जिनकी प्रतिभा को अवैधनाथ ने पहचाना और उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट से उनके 4 लड़कों में से 1 लड़के को मांग लिया। इसके बाद संन्यास धारण कर अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ हो गए। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।